वेलकम टू क्यू एन एजुकेशन। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे गेट एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड, इंपॉर्टेंस ऑफ डेरिवेशंस ड्यूरिंग गेट एग्जाम प्रिपरेशन। बेसिकली जो चैनल पे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस अवेलेबल हैं गेट एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड, जो जनरल वीडियोस अवेलेबल हैं, जो स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं, उनमें भी ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन वहां पर मैंने और भी बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि इस पॉइंट पे एक सेपरेट वीडियो बना लूं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए होता क्या है, जब भी हम डेरिवेशंस की बात करते हैं ना, और हम जब गेट एग्जाम की बात करते हैं, तो हम स्टार्ट से ये सोच के बैठे होते हैं कि गेट का एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो डेरिवेशंस करने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्टली फॉर्मुला याद कर लेते हैं, ठीक है। और हम सोचते हैं कि जब कोई सब्जेक्टिव एग्जाम की हम प्रिपरेशन करेंगे तब हम वहां पर डेरिवेशंस पढ़ लेंगे, या अगर हम सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं देने वाले हैं तो हम डेरिवेशंस नहीं करते, ठीक है। ये हमारी सोच होती है स्टार्ट से, ठीक है। तो यहां पर आपको अब ये पॉइंट अंडरस्टैंड करना होगा कि आप डेरिवेशन सिर्फ अगर इसलिए स्किप कर रहे हो कि गेट ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा ये पॉइंट माइंड में रखो, गेट से बड़ा कोई सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, ठीक है। डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट है ना कि अगर आप उस पॉइंट से सोचोगे तो गेट आपके लिए फिर एक बहुत बड़ा सब्जेक्टिव एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि डेरिवेशंस को आप स्किप नहीं कर सकते हो। आप इस बात को समझो, गेट का एग्जाम ऑब्जेक्टिव जरूर है, लेकिन फॉर्मुला बेस्ड जो प्रॉब्लम है ना, वो पूरे एग्जाम में सिर्फ एक या दो ही मिलेगी मैक्सिमम आपको। सिर्फ एक या दो प्रॉब्लम ऐसी होगी जहां पर जो फॉर्मुला आप याद करके गए होंगे वो एज इट इज अप्लाई हो जाएगा, उस फॉर्मुले में आप वैल्यू पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा और आपको दो मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसी सिर्फ और सिर्फ एक या दो प्रॉब्लम होगी मैक्सिमम, मैं यहां पर बात कर रहा हूं, हो सकता है एक भी ना हो, ठीक है। तो यहां पर फिर प्रॉब्लम किस तरीके की होती है, एक तो होती है कि कोई चीज है जो आपने सीख ली, ठीक है, जैसे नाइक्विस्ट प्लॉट कैसे ड्रॉ करते हैं, ब्रेक अवे पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हैं। और दूसरा जो टाइप होता है ना प्रॉब्लम्स का, वो होता है आपका डेरिवेशन में से। हमेशा इस बात को ध्यान रखो, जो आप डेरिवेशंस करते हो ना, डेरिवेशंस के जो स्टेप होते हैं उन्हीं में से बीच बीच से प्रॉब्लम्स आपकी आती हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं आपको, लेट सपोज कंट्रोल सिस्टम में आप स्टडी करते हो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए राइस टाइम की डेफिनेशन, 10% टू 90% ऑफ फाइनल वैल्यू, ठीक है। उसके लिए आप राइस टाइम का फॉर्मुला कैलकुलेट करते हो, डेरिवेशन करते हो, और अगर आप डायरेक्ट फॉर्मुला याद करके चले जाओ एग्जाम में, तो होगा क्या, मान लो एग्जाम में आपका सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम आ गया, कैलकुलेट द टाइम एट विच रिस्पांस रीचेस टू 35% टू 65% ऑफ फाइनल वैल्यू, ठीक है, रिस्पांस रीचेस फ्रॉम 35% टू 65% ऑफ फाइनल वैल्यू, ये आपका प्रॉब्लम आ गया, तो उस सिचुएशन में आपका क्या हो जाएगा, उस सिचुएशन में आपको पता तो होगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, लेकिन चूंकि आपने कभी वो डेरिवेशन देखा ही नहीं, आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि कैलकुलेशन करते कैसे हैं, बस आपने तो सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान दिया है स्टार्ट से कि फॉर्मूला कैसे याद करें, तो फिर आपसे वो प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। जैसे अगर एक और एग्जांपल दूं, लेट सपोज अगर मैं यहां पर बात करता हूं एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, EMFD की अगर बात करूं, तो एनर्जी डेंसिटी का अगर आप फाइनल फॉर्मूला याद कर लेते हो हाफ एप्सिलॉन ई का स्क्वायर, ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन में पूछ लेता है 3 पॉइंट चार्जेस आर गिवन, कैलकुलेट द टोटल वर्क डन या टोटल एनर्जी इन द सिस्टम, तो वो आप फिर नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि वो डेरिवेशन आपने कभी देखा ही नहीं, जो आपका 2 पेज का डेरिवेशन था उसे आपने स्किप कर दिया, आपने डायरेक्ट फाइनल फॉर्मुला याद कर लिया, ठीक है। अगर आप वो डेरिवेशन देखते तो उस डेरिवेशन के बीच में आपको ये पूरा कंसेप्ट मिलता कि टोटल एनर्जी या टोटल वर्क डन इन द सिस्टम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे EMFT में ही जब आप वेव प्रोपोगेशन इन जनरल मटेरियल का फॉर्मूला डिराइव करते हो, ठीक है, तो वहां पर होता क्या है, बेसिकली आप बीच में एक स्टेप देखते हो जहां पर ई की पावर प्लस गामा जेड और ई की पावर माइनस गामा जेड दोनों आता है। ई की पावर माइनस गामा जेड आपको शो करता है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेशन, ई की पावर प्लस गामा जेड शो करता है नेगेटिव जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेशन। अगर आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रट के चले जाओगे जहां पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेशन ले रहे हैं और ई की पावर माइनस गामा जेड वाला टर्म ही कंसीडर कर लेते हैं, और अगर ई की पावर प्लस गामा जेड वाला टर्म पे प्रॉब्लम आ गई, नेगेटिव जेड डायरेक्शन पे प्रॉब्लम आ गई, तो आप उसे अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने डायरेक्ट फॉर्मूला ही रटा हुआ है। तो ये सारे एग्जाम्पल है आपके लिए, और इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो मेरे माइंड में आए मैंने बोल दिया अभी। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखो, जब आप फॉर्मूला खाली याद करोगे तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर खाली फॉर्मूला याद करने से एग्जाम निकल जाती तो सोचो फिर कोचिंग करने की जरूरत ही क्या है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। आप सिंपल मार्केट में जाते, एक फॉर्मूला बुक बाय करते, 100 या 200 रुपए में आ जाती,
और टाइम भी बहुत आपका बचता, तो सोचो कितना इजी हो जाता ना। लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए जो भी क्लास में आपको डेरिवेशंस कराए जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको वहां क्लियरली आइडिया होना चाहिए कि कौन से डेरिवेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो आपको एग्जाम में करके ही जाने हैं। आपको देखो डेरिवेशंस रटने की जरूरत नहीं है, अगर रटोगे तो फिर से बात वहीं की वहीं रह जाएगी। आपको डेरिवेशन का एक एक स्टेप को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि सारे स्टेप आपको पता हो, कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा सीक्वेंस आपको पता हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एक एक स्टेप का मीनिंग क्लियर होगा ना आपके माइंड में, तो फिर एग्जाम में अगर इस तरह का कोई नया प्रॉब्लम आएगा तो आप बड़े आराम से उस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देखो होता क्या है, जब भी आप फॉर्मूला याद करके चले जाते हो और एग्जाम जब देते हो, ठीक है, तो आपके जब मार्क्स कम आते हैं तो आप ये बोलते हो यार इतने सारे ऐसे क्वेश्चन आ गए थे, ऐसे क्वेश्चन तो हमें क्लास में कोचिंग में करा ही नहीं गए, और आपके जो बाकी फ्रेंड्स थे वो इस तरह के क्वेश्चन कर जाते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग यही है कि उन लोगों ने सारे कंसेप्ट सारे डेरिवेशन बहुत अच्छे से देखे थे। देखो हर प्रॉब्लम आपको कोई नहीं करा सकता है, ठीक है। प्रॉब्लम जितनी भी आप कर लो, आपको क्लास में जितनी भी करा दी जाए, कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आई जाएगी एग्जाम में। तो आप जब फॉर्मूला के साथ साथ डेरिवेशन और कंसेप्ट अच्छे से समझ कर जाते हो, जो आपको क्लास में कराए जाते हैं या जो आप खुद की सेल्फ स्टडी से स्टडी करते हो, तो वही आपकी रियल हेल्प करता है। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना। तो आपको डेरिवेशंस पे जरूर फोकस करना है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम समझ के डेरिवेशंस को स्किप मत करना। अगर रियल में एग्जाम में सक्सेस चाहिए तो डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो आज की वीडियो में यही स्टॉप करते हैं हम लोग। आई होप आपको जो मैं पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा था क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।